Hello dear students. Uh, today we will do exercise 7.1 pending questions, question number 7. Let us start. Just read the question. Find the point on the x axis, which is equidistant from 2 comma minus 5 and minus 2 comma 9. Okay? डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है आपको बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस का आपने एक पॉइंट फाइंड करना है ठीक है एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है जैसे आपके पास फोर एक्सिस होते हैं ठीक है थीके? इस एक्स एक्सिस पर ये आपकी एक्स एक्सिस ठीक है पूरी और टू पार्ट्स में डिवाइडेड है जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था एक्स पूरी एक्स एक्सिस टू पार्ट में डिवाइडेड होती है एक नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है यहाँ से लेकर ऑरिजन तक और ऑरिजन से लेकर राइट right साइड तक जो है आपकी हॉरिजेंटल लाइन पूरी एक्स एक्सिस है पूरी हॉरिजेंटल लाइन आपके टू पार्ट में डिवाइडेड है ठीक है ऑरिजन से लेकर राइट right साइड को आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और लेफ्ट साइड को आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए कि एक्स एक्सिस का पॉइंट कहाँ होगा मतलब इस एक्सिस पर कोई पॉइंट है ठीक है कोई भी पॉइंट ले लिया और वो वाला पॉइंट इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है ठीक है एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो कहीं दिए गए दो पॉइंट से बराबर दूरी पर मान लो एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है ठीक है ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट मान लेते हैं इसको और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं इसको तो ये वाला जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है मतलब बराबर दूरी पर है अंडरस्टैंड हुआ क्वेश्चन तो हमने निकालना है एक्स एक्सिस का पॉइंट जो इस वाले पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर हो तो हम एक डायग्राम अंडरस्टैंड करेंगे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे ठीक है अब एक्स एक्सिस का पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है बराबर दूरी पर है इससे भी और इससे भी ठीक है अब मैं बोल दूं कि टू बॉयज हैं ए भी बॉय है और एक बॉय है ठीक है मैं बोलूँ किसी बॉय एक बॉय को मैं बोलता हूँ कि आप जाइए और इन दो बॉयज़ के ऐसे बीच में खड़े हो जाइए जहां से आपका डिस्टेंस दोनों बॉय से क्या हो बराबर तो बॉय क्या करेगा कहीं दूर तो खड़ा नहीं होगा इन दोनों के बीच में कहीं खड़ा हो जाएगा यहां खड़ा हो जाएगा ताकि जिस तरफ से देखें दोनों बॉय से इस वाले बॉयज का डिस्टेंस क्या हो बराबर या तो बॉय यहाँ या तो यहां कहीं भी खड़ा हो जाए लेकिन दोनों बॉय से इस वाले बॉय का डिस्टेंस क्या होना चाहिए बराबर तो एक्स एक्सिस का पॉइंट कहाँ आएगा सेंटर पर क्योंकि एकस से से तो अब क्या करेंगे ये वाला पॉइंट तो हमने ले लिया टू कॉमा माइनस फाइव और ये वाला पॉइंट क्या ले लिया माइनस टू कॉमा नाइन अब बात आती है ये थोड़ा सा रफ वर्क है हमारा जहां से हम कुछ एग्जांपल्स लेके अंडरस्टैंड uh, करेंगे कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल दूं आपको ईजी जह, जहां से आपको हर चीज क्लियर हो जाए ठीक है अब एक्सिस का पॉइंट है देखिए मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था कि कोऑर्डिनेट्स दो होते हैं ठीक है एक ऑर्डिनेट होता है एक अबसिस होता है ठीक है एक एक्स एक्सिस का होता है और एक वाई एक्सिस का होता है एक्स एक्सिस की पोजीशन पहले होती है वाई एक्सिस की पोजीशन दूसरे नंबर पर होती है ठीक है अब पॉइंट है एक्स एक्सिस का तो एक्स एक्सिस के अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लिखते हैं एक्स कॉमा जीरो क्यों क्योंकि एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स के ही पॉइंट काउंट होंगे ठीक है वाई एक्सिस हम जीरो लेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई का कोई पॉइंट नहीं होता है इसलिए एक्स एक्सिस पर हम एक्स लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे जीरो कंसिडर अब इसी तरह से अगर आ, ए तो पॉइंट हो गया किसका एक्स एक्सिस का और ए पॉइंट किसका हो गया वाई एक्सिस का लेट करते हैं वाई एक्सिस का पूछा नहीं है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कैसे लिखना है अगर वाई एक्सिस का पॉइंट है तो क्या होगा अब y एक्सिस को देखिए y एक्सिस के ऊपर x का कोई पॉइंट नहीं होगा तो x की पोजीशन क्या ले ले लेंगे जीरो और y का क्या पॉइंट आएगा y ठीक है क्योंकि y का कोऑर्डिनेट जो होगा वो y का ही होगा मतलब y से सिंबलाइज करते हैं सो y की जगह कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है ठीक है कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो सकता है ठीक है तो y को सिंबलाइज करेंगे हम y एक्सिस के लिए और x को x एक्सिस के लिए अब हमारे पास पूछा क्या है x एक्सिस का तो हम लेंगे x 0 इस पॉइंट को ठीक है इसको नाम देंगे a इसको नाम देंगे b और इसको नाम देंगे हम c अब हम थोड़ी सी हम अब आपने एग्जाम में मैं आपको जब भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो इस तरीके से करवा रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड भी हो जाए और एग्जाम में जब आप राइट करें अपना क्वेश्चन तो इस तरीके से राइट करें कि पूरी डिटेल जो आपका एग्जामिनर है जो आपका पेपर चेक करने वाला टीचर होगा एग्जामिनर एनुअल तो उनको अपना माइंड कम यूज़ करना पड़े आप हर चीज़ को वेरीफाई करें हर चीज़ दिखाएं अपनी अपने आंसर शीट पे कि हमने क्या चीज़ कहाँ से ली है तो आपका जो है पेपर बेल नीट एंड क्लीन होगा और मार्किंग भी आपके लिए अच्छी होगी जिसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा ठीक है तो हम स्टार्ट करेंगे कैसे लेट ए टू कॉमा माइनस फाइव एंड बी माइनस टू कॉमा नाइन ये आपकी डायग्राम ये आपने ड्रॉ करनी है ठीक है इसको ड्रॉ करना है आपने ठीक है लेट ए एंड बी Be the given points and and C C coordinate साथ में लिखने हमेशा एक बात का ध्यान रखना जब भी आपकी geometry को कोई भी question करेंगे तो point के साथ उसके जो coordinates हैं वो हमेशा साथ लिखने हैं आपने ठीक है ले and क्या लिखेंगे and C is the point on x axis च इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी ठीक है अब यहाँ पे आपको इनके कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं है आपने इसको शो कर दिया पहले ठीक है अंडरस्टैंड हो गया अब इसके बाद आप क्या करेंगे इसके बाद आप क्या करेंगे अब आपने क्वेश्चन में अंडरस्टैंड किया कि एक्स एक्सिस के पॉइंट का डिस्टेंस ए से और एक्स एक्सिस के पॉइंट का डिस्टेंस बी पॉइंट से दोनों से बराबर है तो हम क्या करेंगे इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे पहले ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फिर बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे ठीक है फिर दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर बताया तो हम क्या करेंगे ना फॉर सबसे पहले फॉर ए सी के लिए क्या करेंगे एक्स वन इज इक्वल टू टू वाई वन इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स टू इज इक्वल टू एक्स और वाई टू इज इक्वल टू जीरो राइट अब ए, देखो अब फिर से मैं रिपीट करूंगा अपनी बात कि ताकि आपको बार एक मतलब रिमाइंड रहे कि हम कर क्या रहे हैं देखो यहाँ पे अब आपका यहाँ पे पहले कौन सा पॉइंट लिखा है ए तो ए को वन वन ठीक है और दूसरे पे कौन सा पॉइंट लिखा है सी तो सी को टू टू फर्स्ट पॉइंट किसका होता है एक्स एक्स का तो इसको क्या नाम देंगे एक्स वन क्योंकि वन पोजीशन है इसकी भी वन पोजीशन है वन पोजीशन का मतलब कि फर्स्ट पॉइंट के हैं दोनों वन 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 का मतलब ये नहीं हुआ कि ये पहले पे या दूसरे पे तो उसको दो लिखेंगे या टू लिखेंगे नहीं वन वन क्यों लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है इसलिए वन वन जो सेकेंड पॉइंट होगा उसको टू टू ठीक है तो ये हो गया वन वन यानी एक्स वन वाई वन ए हो गया टू टू यानी एक्स टू वाई टू अब लगाएंगे हम डिस्टेंस फार्मूला क्या लिखेंगे आप बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है ए सी इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा के आप क्या करेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर राइट अब क्या करेंगे आप एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस ए वाला माइनस फार्मूले का और देखो बाई वन की वैल्यू के साथ एक और माइनस आएगा आएगा ना तो आपने क्या करना है यहाँ पे माइनस फाइव एंड स्क्वायर ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि फार्मूला का माइनस आपने एज इट लगाना है वैल्यू के साथ अगर माइनस आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में क्लोज करना है अंदर और फिर बाहर वाला ब्रैकेट एंड क्लोज करना है राइट अब यहां पे एक चीज़ आपके लिए आएगी यहाँ फोकस करना है आपने x माइनस टू अब ये वेरिएबल है ये कांस्टेंट है अब दोनों को आप माइनस नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है a माइनस बी का होल स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी ये वाली आइडेंटिटी आपको लगानी है राइट ठीक है आइडेंटिटी का यूज कब किया जाता है बेटा जब एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है या दोनों ही वेरिएबल हैं लेकिन दोनों डिफरेंट वेरिएबल होने चाहिए मतलब जैसे यहाँ x है x की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है a से लेकर z तक तो दूसरा कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए अगर लाइक वेरिएबल होंगे सेम वेरिएबल होंगे x वाली टर्म इधर है यहाँ भी x वाली टर्म है तो तो प्लस माइनस हो जाएंगी ठीक है आइडेंटिटी कब लगाई जाती है आइडेंटिटी तब लगाई जाती है जब दो टर्म्स को आप प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल कब है जब एक वेरिएबल होगा और दूसरा कांस्टेंट होगा या दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे कांस्टेंट तो हो नहीं सकते दोनों अगर कांस्टेंट कांस्टेंट मींस काउंटिंग काउंटिंग है इधर इधर भी काउंटिंग है इधर भी काउंटिंग है, है तो प्लस माइनस हो जाएगी अब वेरिएबल है वेरिएबल के बारे में आप जानते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं चेंजेबल होते हैं फिक्स नहीं होते है. कोई भी वैल्यू एक्स की जगह पुट हो सकती है ठीक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट तो इसलिए आइडेंटिटी लगाई जाती है कि एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है तो आइडेंटिटी आपकी लगेगी ही लगेगी फुल चांसेस है ठीक है यहां पे आप क्या करेंगे एक्स माइनस टू का होल यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ठीक है ये वाली ए ए की जगह कौन डालना है एक्स और बी की जगह कौन डालना है टू डालना है तो क्या लिखेंगे इधर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है जब बी स्क्वेयर की वैल्यू डालते हैं तो माइनस यहाँ से उठा के यहाँ लिख देते हैं और फिर यही माइनस यहाँ लगा देते हैं और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है आप ये नहीं करेंगे देखो मैं बताता हूँ आपको कि ये वाला माइनस जो है यहाँ क्यों नहीं आया आप फोकस करेंगे जब आइडेंटिटी आइडेंटिटी और क्वेश्चन को देखिए आइडेंटिटी के बीच में कौन सा साइन है माइनस यहाँ क्वेश्चन में कौन सा साइन है माइनस अगर आपके क्वेश्चन का साइन और आइडेंटिटी का साइन सेम रहता है तो आप जो आइडेंटिटी के साइन हैं वो एज इट लगाते हैं ऊपर से टर्म का साइन नीचे बिल्कुल नहीं लगाएंगे आप ठीक है समझ गए बात फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब आपके क्वेश्चन का साइन और आइडेंटिटी का साइन बिल्कुल सेम हो तो टर्म का साइन नीचे नहीं लगाया जाएगा कहीं नीचे वही साइन लगेंगे जो फॉर्मूला के अंदर हैं राइट ये बात समझिएगा समझ आ गया ठीक है आगे देखिए आगे देखो क्या होता है ठीक है अब सॉरी यहां पे अभी बचता है आपके प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी फाइव का स्क्वायर राइट अब यहां एक्स का स्क्वायर टू टू फोर टू टू जा फोर माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव राइट अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे ये देखो अब आई कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट ठीक है एक्स स्क्वे माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल अनलाइक है अनलाइक कैसे इन द सेंस किस किस बेस से अनलाइक हुए पावर की बेस से ये एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है और ये एक्स वाली टर्म है ऐसा नहीं देखना आपने एक्स है ये भी एक्स है प्लस कर दो आपको पावर के साथ फुल वेरिएबल देखना होगा पावर के साथ कॉफिशियंट मैटर नहीं करता है प्लस माइनस के लिए ठीक है अगर वेरिएबल सेम हो तो कॉफिशियंट का सेम होना जरूरी नहीं होता है ठीक है तो यहां पे आपको छोड़ना पड़ेगा अब आपको डिस्टेंस निकालना है बी के बीच में तो क्या लिखेंगे फॉर बी BC. BC के लिए डिटेल बनाएंगे आप ठीक है BC लिख लो या CB लिख लो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आप CB लिख लो ठीक है आप नहीं तो आप कन्फ्यूज होंगे कि C से B तक का डिस्टेंस निकालना है तो C को वन वन बी को टू टू तो X1 कितना आ गया X, Y1 कितना आ गया Y1 कितना आ गया जीरो X2 कितना आ गया बेटा यहाँ बताओ x2 कितना आ गया माइनस टू और y2 कितना आ गया नाइन अब सी बी का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के ठीक है क्या आएगा माइनस टू माइनस एक्स का होल स्क्वेयर प्लस नाइन माइनस जीरो का होल स्क्वेयर ठीक है अब आगे देखो क्या आएगा यहाँ फार्मूला फिर से लगना क्योंकि एक कांस्टेंट आ गया एक वेरिएबल आ गया फिर से आप फार्मूला का यूज करेंगे बिकॉज ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अब यहाँ पे आपको एक चीज और फोकस करना है देख अब ऊपर जो मैंने चीज़ यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करवाई वो यहाँ भी चलेगी लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी का साइन कहाँ है सेंटर पे सेम है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो ये वाला साइन है ये टू के साथ जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस का साइन आपको डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी में माइनस नहीं है ठीक है तो जब भी आप ए स्क्वायर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे माइनस टू होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर अब यहां एक्स के साथ माइनस नहीं आएगा क्यों क्योंकि यहां पे क्या है आइडेंटिटी का माइनस है सेम है टर्म का इस टर्म का साइन नीचे नहीं आएगा प्लस नाइन माइनस वन सॉरी प्लस क्या आएगा यहाँ आएगा टू ए बी वाली टर्म बच गई ये भी प्लस टू इन टू ए इन टू बी और यहां पे प्लस नाइन का होल स्क्वायर राइट अब यहाँ पे क्या आएगा टू टूज ऑफ फोर एक्स स्क्वेयर प्लस प्लस माइनस अच्छा इसको रहने देते हैं अभी इधर टू टूज x फोर इन एक्स प्लस एटी वन फिर आप कर दो इसको एक्स स्क्वेयर वाली टर्म को सबसे पहले लिख दो प्लस माइनस माइनस एक्स वाली टर्म को दूसरे नंबर पर कॉन्स्टेंट टर्म को यहाँ प्लस यहाँ प्लस प्लस कर दो दोनों को प्लस एटी फाइव ठीक है अब सॉल्व नहीं होगा जैसे यहां था अनलाइक अनलाइक वेरिएबल्स आ चुके हैं आपके पास अब आपको क्या करना है अब आपका क्वेश्चन क्या बोलता था स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था ए से सी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस क्या है सेम है ठीक है अब आपको क्या करना है आपको करना क्या है आपको इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल इक्वल करना है क्योंकि आपका क्वेश्चन बोलता है यहां से यहां और यहां से यहां डिस्टेंस बराबर है तो हम क्या करेंगे अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी इसका मतलब क्या हुआ ए से सी का डिस्टेंस बराबर है सी से बी का डिस्टेंस यही आपका क्वेश्चन बोलता है अब आप क्या करेंगे ए सी के नीचे ए सी की वैल्यू डालेंगे बी सी बी के नीचे सी बी की वैल्यू आप पुट करेंगे देखिएगा यहां पे आपको पुट करना है देखो ए सी ए सी की वैल्यू आपने निकाली है अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन और सीबी की वैल्यू आपने निकाली है अंडर रूट एक्स स्क् माइनस फोर एक्स प्लस एटी फाइव अब जस्ट इसको सॉल्व करेंगे ओके इसको सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए देखिए बेटा अब आपके लेफ्ट में भी अंडर रूट है राइट right में भी अंडर रूट है सबसे पहले स्क्वायर रूट अंडर रूट और स्क्वायर रूट एक ही बात है स्क्वा करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग का मतलब पावर टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ठीक है देखना जब भी अंडर रूट वाली कोई भी टर्म है मान लो एक्स इधर जब भी आप अंडर रूट वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है क्यों खत्म होता है ये भी ध्यान से देखिए स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है वन पॉइंट टू यहाँ क्या आ गया वन पॉइंट टू पावर बाहर से टू ठीक है इस टू से ये टू कट गया एक्स बच गया अकेला मतलब अगर आपको ये 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 चीज बेसिक आती है ठीक है ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्या समझाया जा रहा है अंडर रूट को जैसे आपसे पूछा जाए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैसे खत्म होता है तो आपने क्या बताना है स्क्वायर रूट की वैल्यू पावर में हाफ लिखते हैं फिर इस हाफ क्या जो डिनोमिनेटर है टू इससे पावर वाला टू कट जाएगा फिर आपके पास एक्स की पावर वन बच जाएगी सिंगल एक्स राइट मतलब है अब अंडर रूट के नीचे यहां देखिए आपके पास तीन टर्म्स हैं यहाँ भी तीन टर्म्स हैं जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो इसकी पावर टू इसकी भी पावर टू इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा आपके पास सिंपल क्या बचेगा एक्स स्क् माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन इज इक्वल टू एक्स स्क् माइनस फोर एक्स प्लस राइट सॉरी इंप्लाइज का यूज करना है आपको ठीक है फिर एक्स स्क् एक्सक्वायर कट गया क्यों कटा अब एक बात यहां भी ध्यान ध्यान से सुननी है आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड और इक्वल टू के राइट साइड अगर टू टर्म्स इक्वल हैं और दोनों के साइन सेम हैं तो वो कट जाती हैं ठीक है क्योंकि ये प्लस का साइन इधर क्या होगा माइनस और प्लस माइनस माइनस फिर यहां लाके भी कट जाएगा इक्वल टू के आर पार अगर आपने काटना हो तो सेम साइन कटता है और इक्वल टू के एक ही तरफ आपने काटना हो तो डिफरेंट साइन कटता है ठीक है ठीक है तो आप अगर आपको फिर से सुननी हो बात तो आप इसको वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा सुन सकते हैं बात ठीक है मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है हम क्या करेंगे देखो यहां आपके पास यहां थोड़ा सा आपने यहां थोड़ा सा आपने ध्यान देना है थोड़ी सी मिस्टेक यहां पर छूट गई थी आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर था मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया था गलती से आपको माइनस लगाना है क्योंकि आइडेंटिटी में माइनस टू ए बी का साइन है ठीक है यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस फिर माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा प्लस और आपको यहाँ पे क्या लगाना था प्लस लगाना था इस मिस्टेक को आप रिमूव कीजिएगा ठीक है अब आगे देखिए ये वाला प्लस का यहाँ माइनस फोर एक्स प्लस का इधर आके माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू एट्टी फाइव और माइनस ट्वेंटी नाइन फिर ठीक है यहां क्या आएगा माइनस एट एक्स और यहां क्या आएगा आपके पास फिफ्टी ठीक है फिर x इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स एट क्या काम कर रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई का क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई इधर आके माइनस एट अब कई बच्चों को यहां भी कंफ्यूजन होती है कि माइनस का एट उधर जाके प्लस करेगा या प्लस जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा या यहां पे प्लस करेगा तो बेटा जी जब भी आपने देखना है ट्रांसपोजिंग में क्या होगा तो दोनों के बीच का स्कोर नहीं देखना है अभी आपने दोनों के बीच जो ऑपरेशनल मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है वो आपने साइन कंसीडर करना है मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्या मतलब प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है डिवीजन हो रहा है ये पता कैसे लगता है अगर प्लस माइनस हो तब तो ओपन साइन लगा होता है बीच में जैसे ऐसे ठीक है अगर वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में साइन नहीं है तो समझ आओ वहां पे डिवीजन सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल टू के पार जब आपकी टर्म जाएगी तो डिवीजन करेगी पर साइन चेंज नहीं होगा मल्टीप्लाई और डिवीजन के, के केस में साइन चेंज नहीं होता है जब हम ट्रांसपोजिंग करते हैं ठीक है एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन ए देर फोर कौन सा आ गया देर फोर पॉइंट ऑन एक्स एक्स इज इज क्या कंसीडर किया था आपने पॉइंट एक्स कॉमा ज़ीरो अब एक्स की जगह कितना लिखना माइनस सेवन कॉमा ज़ीरो तो माइनस सेवन कॉमा ज़ीरो एक ऐसा पॉइंट है जब हम इस माइनस सेवन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और फिर से अगर हम डिस्टेंस अगर आपने वेरिफिकेशन कर रही है करनी हो तो बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको अगर चेक करना है कि जो क्वेश्चन बोला गया है उसका एग्जैक्ट मीनिंग सही है या नहीं तो आपको क्या करना है एक्स की वैल्यू पुट करनी यहाँ पर माइनस सेवन फिर दोनों का डिस्टेंस निकालना है फिर यहाँ भी डिस्टेंस निकालना है फिर देखना दोनों के आंसर्स बिल्कुल सेम आएंगे और इक्वल डिस्टेंस ये होगा ठीक है ये आपका क्वेश्चन नंबर सेवन है अंडरस्टैंड हो गया थोड़ा सा यहाँ पे जो मिस्टेक थी उसको काइंडली रिमूव कीजिएगा क्योंकि आइडेंटिटी का जो साइन था वो माइनस था और गलती से यहाँ प्लस लग गया था ओके फिर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये वाला क्वेश्चन आपने ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहां पे ठीक है ये वाला और यहां का कंप्लीट होता है ओके थैंक यू नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर एट फ्रॉम एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज टेन यूनिट्स इस क्वेश्चन के अंदर आपको पी और क्यू पॉइंट के बीच कितना डिस्टेंस है वो ऑलरेडी बताया है टेन यूनिट्स ठीक है दो पॉइंट्स हैं आपके पास एक P और एक Q ठीक है P के कोऑर्डिनेट्स टू कॉमा माइनस थ्री और Q के कोऑर्डिनेट टेन कॉमा वाई ठीक है P और Q के बीच का डिस्टेंस आपको ऑलरेडी बताया है कि टेन यूनिट्स इनका डिस्टेंस है लेकिन हमें निकालना क्या है वाई की वैल्यूज़ वैल्यूज ठीक है दो वैल्यूज निकलेगी कैसे निकलेगी ये आप देखते चलिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे फोर अब डिस्टेंस की बात की है देखो डिस्टेंस दिया है इट मीन्स हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस दिया है टेन यूनिट्स इस मतलब डिस्टेंस आपके पास गिवन है तो आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है ठीक है फॉर पी क्यू डिटेल बनाएंगे आप पहले कोऑर्डिनेट्स की ये फर्स्ट पॉइंट है वन वन ये सेकेंड पॉइंट है टू टू ठीक है तो एक्स वन कितना आ गया टू वाई वन कितना आ गया माइनस थ्री एक्स टू कितना आ गया टेन वाई टू कितना आ गया वाई ठीक है अब देखिए आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्योंकि इसमें P और Q के बीच का डिस्टेंस पहले ही दी है पी क्यू इज इक्वल टू टेन ऐसे लिखने का क्या मतलब है P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है टेन यूनिट्स ठीक है तो P और Q के बीच का डिस्टेंस तो हम यहां लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन ठीक है अब आप क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे टेन माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस फॉर्मूले का माइनस और y1 की वैल्यू के साथ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस थ्री स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन राइट अब आप क्या करेंगे इसको माइनस करके होल स्क्र और अभी अंदर वाला माइनस आपको सॉल्व करना है ठीक है तो वाई ऐसे ही रहेगा माइनस माइनस प्लस लग जाएगा थ्री ऐसे रहेगा होल स्क्वेयर ऐसे ही रहेगा अब आपके पास देखिए एक वेरिएबल एक कांस्टेंट बीच में प्लस फिर होल स्क्वेयर ठीक है एट एट जा सिक्सटी फोर प्लस अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी किसकी ए प्लस बी का होल स्क्वेयर किसकी ए प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी ठीक है तो ए की वैल्यू कितनी डालनी है y और b की वैल्यू कितनी डालनी है थ्री तो यहाँ होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना है इधर टेन ठीक है और एट एट जा कितना हो गया सिक्सटी फोर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस थ्री थ्री जा नाइन थ्री टू जा सिक्स वाई इज इक्वल टू टेन ठीक है इधर हो गया सेवेंटी थ्री प्लस वाई स्क्वेयर प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू टेन राइट अब क्या करेंगे थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखना है आपने वाई स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर वाली टर्म हाइएस्ट पावर वाली टर्म फर्स्ट नंबर पे और उसके बाद वन पावर वाली दूसरे नंबर पे और कांस्टेंट आपने लास्ट में लिखनी है ये अरेंज करने का तरीका होता है फिर अब क्या करेंगे अब तो ये तीन प्लस नहीं हो सकते इनमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये तीनों ही आपस में अनलाइक टर्म है लाइक like टर्म नहीं है एक भी तो इनको सॉल्व करना मुश्किल है सबसे पहले हम क्या करेंगे अंडर रूट यानी स्क्वेयर रूट को खत्म करेंगे कैसे स्क्वेयरिंग करके स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट ठीक है स्क्वेयरिंग करेंगे स्क्वेयरिंग करने से ए वाला रूट जो होगा वो खत्म हो जाएगा राइट right का क्या हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि राइट right में क्या है रूट नहीं है तो राइट right साइड का जो टेन है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर ठीक है वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस सेवेंटी थ्री इज इक्वल टू हंड्रेड फिर अब क्या करेंगे इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस सेवेंटी थ्री माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो राइट अब यहाँ देखना वाई स्क्वेयर प्लस सिक्स वाई माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू जीरो अब ये क्या बना क्या आप जानते हैं इसके बारे में कौन सी इक्वेशन बनी किस फॉर्म में बनी ये देखना ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम कितनी टर्म्स हो एक दो तीन थ्री टर्म्स हो मैक्सिमम और सब फर्स्ट टर्म है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू मेन कंडीशन सेकंड टर्म की सेकंड टर्म का जो वेरिएबल है उसकी पावर वन और लास्ट टर्म क्या हो कांस्टेंट ठीक है ए एक्स स्क्वायर मतलब ए क्या है कांस्टेंट कोई भी काउंटिंग नंबर यहां पे हो सकता है चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो यहां बी क्या है कॉन्स्टेंट ये भी कोई भी काउंटिंग को, नंबर हो सकता है और यहाँ सी क्या है कांस्टेंट ए भी काउंटिंग नंबर कोई भी हो सकते हैं ये तीनों ए बी सी क्या है आपके पास कांस्टेंट्स हैं देखो इसकी फॉर्म में आया ना ये देखो यहाँ वेरिएबल है वाई वेरिएबल कोई भी हो सकता है जरूरी नहीं कि एक्स ही होगा ठीक है पर यह जनरल फॉर्म है वेरिएबल आप कोई भी यूज कर सकते हैं देखिए यहाँ ए कितना है कोई नहीं है कॉफिशेंट इसका वन तो ए एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल का स्क्वायर प्लस ये बी की वैल्यू आ गई सिक्स और ये सी की वैल्यू आ गई माइनस ट्वेंटी सेवन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये आप देखेंगे ठीक है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी थी सॉरी ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन है अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपने ठीक है सबसे आपने स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड सुना होगा या किया भी होगा स्प्लिटिंग मिडल टर्न ठीक है स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना ब्रेक करना ठीक है कितने हिस्सों में ब्रेक करेंगे हम इसको टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे इसको ठीक है स्प्लिट करेंगे टू पार्ट्स में सबसे फर्स्ट क्या करेंगे हम सम लिखेंगे कितना है और प्रोडक्ट लिखेंगे कितना है यहां से देख के अब सम क्या करेंगे सम जो बीच वाली टर्म है जो बाई का कॉफिशियंट है पावर वन वाला जो वेरिएबल है उसका जो कॉफिशियंट होगा वो सम में जाएगा ठीक है और प्रोडक्ट में कौन जाएगा वाई स्क्वेयर का कॉफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है क्या बोला क्या बोला आपको वाई स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है वो और कॉन्स्टेंट टर्म इन दोनों की आपने मल्टीप्लाई करनी है मतलब 27 सेवन यहां वन है 27 सेवन मल्टीप्लाई बाय यहां से यहां की मल्टीप्लाई करेंगे आप 27 सेवन मल्टीप्लाई बाय वन ट्वेंटी लिखेंगे ये प्रोडक्ट आ गया अब करना क्या है आपने आपने दो नंबर अपनी मर्जी से ऐसे सोचने हैं क्या बोला मैंने अभी साइन की बात नहीं करेंगे हम अभी ध्यान से मेरी बात सुनना दो नंबर आपने अपनी मर्जी से कोई भी टू एनी टू नंबर्स ठीक है प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे अभी वो बाद में हम साइन सेट करेंगे मैं बताऊंगा कैसे साइन सेट करने आपको पूरा ध्यान से सुनिए बिल्कुल और फोकस कीजिए ठीक है आपने दो नंबर अपनी मर्जी से चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके जिनका प्रोडक्ट 97 हो और वही दो नंबर आपने यहाँ भर के वही दो नंबर प्लस करके या उन्हीं दो नंबर्स को माइनस करके आपके पास सिक्स आए ठीक है रिपीट करूंगा कोई दो नंबर चूज़ कीजिए अपनी मर्जी से जिनको मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी आए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करें या उन्हीं दो नंबर्स को माइनस करें तो सिक्स आए जैसे कौन कौन से नंबर है नाइन कॉमा थ्री नाइन थ्री सा कितना हो गया नाइन थ्री सा कितना हो गया ट्वेंटी सेवन और नाइन और थ्री को माइनस करेंगे नाइन और थ्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा सिक्स यानी आपके पास नंबर सेट हो गए नाइन कॉमा थ्री अभी सिंपली नाइन कॉमा थ्री सेट हो गए अब आपने क्या करना है अब देखिए आगे अगले अगला स्टेप क्या होगा जो यहाँ बीच वाली टर्म का साइन होगा आपके पास वो आपने दोनों में से जो बड़ा है वो लगाना है ठीक है ट्रिक बता रहा हूं बहुत जबरदस्त ट्रिक है इससे आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है गलत बिल्कुल नहीं होगा इससे क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए बिल्कुल इजी ट्रिक मैं बता रहा हूँ ठीक है जो बीच में साइन होगा वो आपने बड़ी टर्म के साथ लगाना है और इसके साथ साइन डिसाइड हम खुद करेंगे बड़ी टर्म का साइन कहाँ से आया क्वेश्चन से इसके साथ क्या साइन लगेगा ये हम देखेंगे कि इन दोनों का बनाना कितना है ठीक है इन दोनों का 27 बनाना है लेकिन बन गया नाइन थ्री से ट्वेंटी सेवन हो गया बात खत्म अब इन दोनों का सिक्स बनाना है तो एक के साथ तो प्लस लग गया तो दूसरे के साथ क्या लगाना पड़ेगा माइनस तभी होगा हो प्लस माइनस माइनस तभी करेंगे हम माइनस अगर इसके साथ हम प्लस लगाएं तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा तो ट्वेल्व आ गया पर मेरे हमें कितना चाहिए सिक्स इसीलिए इसके साथ क्या लगाया माइनस का साइन ठीक है एक टर्म का साइन क्वेश्चन से दूसरी का साइन सम या सम देख के आपने लेना है कि उसका सम कितना आएगा वो डिसाइड करेगा साइन राइट right? तो आपने क्या करना है आप? आपके पास टू टर्म्स डिसाइड हो गई तो ये जो बीच वाली टर्म है आपके पास इसको अब स्प्लिट करना है आपने स्प्लिट मतलब इसको नहीं लिखना है इसके जो दो पार्ट आपके पास बने ये लिखने हैं नाइन और वाई लगाना है साथ में और दूसरा क्या आया माइनस थ्री वाई साइन वो लगाने हैं जो आपने यहाँ पे सेट किए वही साइन आपने यहाँ लगाने हैं और माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू जीरो राइट right? समझ गए देखना अब यहाँ बाई लगाएंगे आप इसके साथ क्या लिखेंगे नाइन वाई और माइनस थ्री वाई ये देखो आएगा ना प्लस का सिक्स वाई और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस ट्वेंटी प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी सेवन और जब इसकी मल्टीप्लाई इसको करेंगे आप ठीक है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ है वन वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई करके कितना आया माइनस ट्वेंटी सेवन तो मल्टीप्लाई करके कितना आया माइनस ट्वेंटी सेवन वाई स्क्वेयर तो जो दो नंबर चूज़ किए हैं आपने उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा माइनस ट्वेंटी सेवन वाई स्क्र ठीक है तो इसका मतलब आपने नंबर बिल्कुल सही सेट किए हैं ठीक है थीके? अगर आपको इस डिटेल में नहीं जाना है तो आपको यहां तक फोकस करना है जो मैंने यहां तक समझाया ठीक है थीके? अब आपने क्या करना है पहली टू टर्म्स को लेके कॉमन देखना है इनके बीच में क्या है ठीक है इन दोनों के बीच में कितना कॉमन है वाई तो वाई ले लिए कॉमन फिर अंदर कितना बच गया यहाँ बाई की पावर कितनी है टू ये यह मतलब यहाँ टू बार बाई है बाई को दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है बाई इन टू बाई तो एक बाई बाहर एक बच जाएगा अंदर यहाँ प्लस और यहाँ कितना बच गया नाइन क्योंकि एक वाई था वो बाहर वो कॉमन हो गया दोनों में इसका वाई भी है ये इसका वाई भी है फिर आपने क्या करना है थोड़ा स्पेस छोड़ के ये इसी ये जो ब्रैकेट आपने बनाया इसी को दोबारा राइट करना है यही ब्रैकेट आपने दोबारा लिखना है बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है अब इस स्पेस में क्या करना है आपने देखो इस स्पेस में क्या करना है इसके लिए आपने थर्ड टर्म देखनी है थर्ड टर्म आपके पास है माइनस थ्री वाई ठीक है आपने यहाँ पे ऐसा नंबर डालना है ध्यान से सुनना इस स्टेप को ये लास्ट स्टेप है इसके बाद इजी है थोड़ा सा यहाँ पर आप ऐसा नंबर डालेंगे इस नंबर और वेरिएबल की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में थर्ड टर्म आपके पास आए तो मैं क्या डालूंगा इधर माइनस थ्री तभी क्या होगा माइनस थ्री इंटू वाई माइनस थ्री वाई इसके बारे में तो सोचना ही छोड़ दो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा फिर ऑटोमेटिक ही आएगा माइनस प्लस माइनस थ्री नाइन ज ट्वेंटी सेवन ठीक है या यू कहें तो आपने इन दोनों में से कॉमन देखा जैसे इन दोनों में से कॉमन देखा लिखा फिर इन दोनों से कॉमन देखा तो यहां लिखा ठीक है ये इन दोनों का कॉमन है और ये इन दोनों का कॉमन है राइट समझ आ गया अब आपने क्या करना है देखो यहां से यहां तक आपको दो ब्रैकेट एक जैसे दिख रहे हैं अब दोनों में से आपने कॉमन ले लेना ब्रैकेट वाई माइनस नाइन ले लिया कॉमन तो यहां से बाई माइनस नाइन आपने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा आपके पास वाई ब्रैकेट में लिखना है और यहां से वाई माइ बाई प्लस नाइन बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा वाई माइनस थ्री ठीक है ये आपके दो फैक्टर्स बन गए क्या बने ये फैक्टर्स बन गए अब आपने क्या करना है आइदर आइदर वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू तो जीरो वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू तो माइनस नाइन और वाई इज इक्वल टू तो थ्री ये दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं ठीक है अब देर फोर वैल्यूज ऑफ वाई वाई की वैल्यूज कितनी आई माइनस नाइन और थ्री राइट अंडर स्टूड ये इस तरह से आपने ये वाला मैथ ये जो आपका स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाला जो मैथड आपको करवाया मैंने इसको फोकस करना क्योंकि ये जो मैथड है एक्सरसाइज टू पॉइंट टू में भी है फोर पॉइंट टू में भी है और सेवन चैप्टर में फिर आया आपके पास ये ठीक है तो बहुत जगह आपका स्प्लिटिंग मिडल टर्म आता है लेकिन लगता कहाँ है जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म मैंने आपको यहाँ समझाई कि y स्क्वायर ठीक है एक फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली होगी वेरिएबल का स्क्वायर दूसरी टर्म वेरिएबल का पावर वन होगा यहाँ पे और तीसरी टर्म कांस्टेंट होगी मैक्सिमम टर्म कितनी बताई एक दो मैक्सिमम तीन टर्म्स आपके पास होंगी और इस पैटर्न में होगी फर्स्ट टर्म में वेरिएबल का स्क्वायर सेकंड टर्म में वेरिएबल की पावर वन और तीसरी टर्म कांस्टेंट और ये आपकी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ठीक है इस क्वेश्चन क्वेश्चन में आपको मेन तो चलो हमने सॉल्व किया लेकिन आपको यहां पे मेन फोकस एक ये भी करना है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करी जाती है ठीक है सॉरी ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया हमने यहां पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से ये वाला फोकस कीजिएगा इसको और ध्यान से देखिएगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको अलग से एक वीडियो बना के नहीं तो मैं डालूँगा ठीक है फिर वहां पे आप इजीली अंडरस्टैंड करिएगा ओके थैंक यू